हिमाचल प्रदेश में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रदेश के हजारों करदाताओं पर किसान निधि का पैसा फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप है। इस फर्जीवाड़े को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। युवा कांग्रेस ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनावों के दौरान किसानों के खातों में 2000 डाले, अब सरकार इसको फर्जीवाड़ा बता रही है। सरकार इसकी गहनता से जांच करे व बड़े मगरमच्छों पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि इसमें यदि गहनता से जांच की जाएगी तो इसमें भाजपा के बड़े नेताओं के नाम आना तय है। सरकार दोषियों की जाँच कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व में जब कोरोना का महामारी पूरे प्रदेश में फैल रही थी तो उस समय भी सचिवालय से जो एक घोटाले की बू जो है सामने आई थी, जिसकी जब जांच की गई तो उसकी आंच जो है तत्कालीन जो हमारे राजीव बिंदल जी थे उनके ऊपर आई थी, तो उनको जो है इस चलते जो है इस घोटाले के चलते इस भ्रष्टाचार के चलते जो है अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। सिमिलरली आप देखेंगे कि जब पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे थे उसके तहत ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे, तो किसानों को प्रलोभन करने के लिए या किसानों को जो है प्रलोभन देने के मकसद से उनके खातों में जो है 2000 रुपए की जो है राशि भेजी गई थी। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा होगा कांगड़ा में जो है 3 करोड़ के लगभग घोटाला सामने आया, ऊना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, पूरे हिमाचल में जो है लगभग 12 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि के नाम पर जो है भ्रष्टाचार जो है सामने आया हुआ है। आज आप देखेंगे कि एक तरफ जयराम सरकार किसान हितैषी होने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों ने जिन आरोपियों ने किसानों के हक मारा, उनके जो हकों की जो कीमत जी वो अपने खातों में डलवाई, जो टैक्स पेयर है उन्होंने भी किसानों के नाम पर जो है फर्जी दस्तावेज जो है प्रस्तुत करके जो है पैसा अपने खातों में डलवाया, और दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम जो है उनसे पैसों की रिकवरी करेंगे। पैसे की रिकवरी तो आप करिए क्योंकि वो किसानों का पैसा है, आपकी अपने जेब का पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मांग है, युवा कांग्रेस की मांग है कि जिन भी आरोपियों ने जो है गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके पेश करके जो है किसानों का पैसा खाया है उनके ऊपर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लानी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जब गहनता से जांच की जाएगी, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच की जाएगी, तो इसमें जो है भाजपाओं के बड़े नेताओं का नाम सामने आना तय है। इसी मामले को दबाने के लिए जो है प्रदेश सरकार जो है कह रही है कि हम जो है रिकवरी करके जो है इस पूरे मामले को दबाने का जो है काम सामने लाया जा रहा है। लेकिन आज हम जिलाधीश जो शिमला के हैं उनके माध्यम से राज्यपाल को जो एक ज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं और हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले में जो भी मगरमच्छ है, इसमें जो भी भ्रष्टाचार की सुई जिनके ऊपर है, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जाए और जिन्होंने किसानों का पैसा खाया है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो टैक्स पेयर है, चाहे वो कोई भी है, उनके ऊपर जो है FIR दर्ज करके जो है उनके ऊपर केस जो है दर्ज किया जाए।